यह ERM मोटर एमिटिंग रैपिंग मैकेनिज्म जिसका फुल फॉर्म होता है, इसका पूरा कनेक्शन होता है एमिटिंग इलेक्ट्रोड से जो ESP के अंदर लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ ESP के टॉप एलिवेशन का एरिया। ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये है केबल ट्रे सारी जो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हैं, जिससे फील्ड चार्ज होता है। ESP में जो फील्ड होते हैं टोटल 28, पास ए में 14 और पास बी में 14, टोटल 28। तो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ टॉप एलिवेशन पे, तो मैं पास बी फील्ड के टॉप एलिवेशन पे हूँ। और ये जिस साइड में मेरा उधर काम चल रहा है वो पास ए है। पास ए में LR बीम रिप्लेसमेंट वर्क का काम चल रहा है। पास बी में LR बीम सही है, इंस्पेक्शन किया गया था तो वो सब सही है। तो इसमें इंटरनल काम चल रहे हैं, CRM ERM जो भी रैपिंग मैकेनिज्म है वो सब सही किया जा रहा है। ESP के अंदर फील्ड में सारे काम चल रहे हैं। टॉप एलिवेशन पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ये ERM सर्विसिंग का काम होगा। उसके बाद ये साफ इंसुलेटर इसके अंदर जो है उसका क्लीनिंग का काम होगा। ये जो आपको सारे ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहे हैं टोटल 28 होते हैं, पास ए में 14 और पास बी में 14, मतलब कि एक फील्ड के लिए पार्टिकुलर एक ट्रांसफार्मर। जैसा कि आप काउंट भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाई देता हूँ। वो है 1, 2 और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये एक एंड में वहाँ 7। तो टोटल इस लाइन में 7 हो गए और इस वाले लाइन में 7, टोटल हो गए 14। और उसी तरह से पास बी और पास ए दोनों में 14, टोटल 28। और फील्ड हमारी कितनी है वो भी 28 है। तो ट्रांसफार्मर उसी हिसाब से 28 पार्टिकुलर एक फील्ड के लिए एक ट्रांसफार्मर, जिसे पूरी फील्ड चार्ज होती है, जो बॉयलर से ऐश निकलती है उसका सारा फंक्शन जो है वो ESP के अंदर होता है। किस तरह से ऐश बॉयलर से ESP में आती है और वो ESP से बाहर निकलती है। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये साफ इंसुलेटर का क्लीनिंग का काम चल रहा है। यह ERM मोटर एमिटिंग रैपिंग मैकेनिज्म जिसका फुल फॉर्म होता है, इसका पूरा कनेक्शन होता है एमिटिंग इलेक्ट्रोड से जो ESP के अंदर लगे हुए हैं, जो मैंने आपको दिखाया है। ये मोटर का कनेक्शन और ये इंसुलेटर जो नीचे लगा हुआ है उस वाले का कनेक्शन जो है शाफ्ट के थ्रू नीचे एमिटिंग इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है। इसे अभी हम लोग क्लीन करेंगे, इसकी सर्विसिंग करेंगे। पास बी में आपको कहीं पे भी आउटर रूफ कट किया हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज इस वाले एरिया में हमें कोई भी LR बीम रिप्लेस नहीं करनी है। यहाँ पे आउटर रूफ, इनर रूफ सब कुछ ओके है, परफेक्ट है, LR बीम सही है। यहाँ पे सिर्फ ऊपर में क्लीनिंग का काम और सर्विसिंग का काम चल रहा है। उसके अपोजिट साइड आप पास ए की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे सारे काम चल रहे हैं, LR रिप्लेस हो रहा है और बाकी पास ए और पास बी दोनों में इंटरनल काम हो रहे हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको इंटरनल के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा कि फील्ड के अंदर होता क्या है, किस तरह से फील्ड वर्क करती है, किस तरह से चार्ज होती है और क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं जब फील्ड चार्ज करते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।